राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस पर श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ यदि इसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी स्त्री को, बालिका को, गर्ल को, फीमेल को आप आसानी से अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बहुत ही आसान तरीके से बांध सकते हैं। कोई भी स्त्री आपके वश में हो जाएगी, कोई भी गर्ल आपके वश में हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे द्वारा बताया गया किसी प्रकार के तंत्र का, मंत्र का, टोटकों का कदापि दुरुपयोग ना करें। यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ब्रेकअप या तलाक तक की नौबत आ रही है, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने दाम्पत्य जीवन या रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। और यदि कोई कुमार्ग पर है तो उसको अपने बस में करके उसके तमाम बुराइयों से निजात दिलाने के लिए, उसको बुरी संगत से निजात दिलाने के लिए, या वह किसी नशा आदि का प्रयोग करती है तो उसको इससे मुक्ति दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। मगर भूल के भी इसका दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने के नीयत से, हानि या चीट करने के नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो आप यह मत सोचें कि जो आसान टोटके हैं हमें उसी में प्रयोग करना है, उसी सफलता प्राप्त कर लेना है। कभी कभी कुछ ऐसे भी टोटकों का प्रयोग किया जा सकता है जो मंत्रों के आधार पर सिद्ध किया जाता है। कुछ टोटके तो अपने आप में सिद्ध होते हैं, मगर कुछ को सिद्ध करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक छोटा सा ही मंत्र दूंगा मैं, जिसको मात्र 1008 की संख्या में आप जाप करेंगे तो वह आसानी से सिद्ध हो जाता है। जब भी कोई भी मंत्र सिद्ध करने जाए तो एकांत कमरे का चयन करना है, मुख अपना पूरा कर लें, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जला लें। उसके बाद से आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने इष्ट का भी आपको स्मरण करना है और उनसे आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ, यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हैं, उससे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, आप प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और इस रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं उस समय आपके मन में कोई विकार ना हो, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई डिप्रेशन की भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होना चाहिए मन आपका। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आप बैठ करके एक माला लीजिए, रुद्राक्ष का माला ले सकते हैं, उससे आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्वमुख राजनी सर्वधर्म मातंगी कुमारी के लघु लघु बसम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्वमुख राजनी सर्वधर्म मातंगी कुमारी के लघु लघु बसम कुरु कुरु स्वाहा। 1008 की संख्या में इसको जाप करके सिद्ध करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रयोग कैसे करना है जरा भी ध्यान दीजिएगा। कुमारी कन्या के हाथ से काटे गए सूत में सहदेई की जड़ को बांध कर उक्त मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। फिर उस सूत में बंधी हुई जड़ को जिस साध स्त्री की कमर में बांध दिया जाएगा वह वशीभूत हो जाएगी। जो सूत आपने प्राप्त किया है उसको 108 बार अभिमंत्रित करके जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपके बस में हो जाए, उसके कमर में आपको अपने बुद्धि विवेक के साथ कहीं बांध देना है। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे उसे मत करिएगा, और कोई इस तरह की समस्या है तो आप हमसे संपर्क करिएगा, अपना तुरंत खींचा फोटो सेंड करिएगा, मैं आपकी एनर्जी को रीड करके आपको उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है। पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम, राम।